दिस इज चैप्टर इलेवन ऑफ क्लास फाइव ई वी एस क्वेश्चन नंबर वन इज वट डू यू थिंक द अर्थ लुक् लाइक अर्थ कैसी दिखती है मेक ए ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ इन योर नोट बुक अर्थ की ड्रॉइंग बनाओ अपनी नोटबुक में ऑन योर ड्राइंग शो वीहर यू आर और ड्राइंग में दिखाओ तुम कहाँ हो टेक ए लुक एट फ्रेंड ड्राइंग टू और अपने फ्रेंड की ड्राइंग भी देखो आई थिंक द अर्थ इज राउंड मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ कि अर्थ राउंड है गोल है ये आपने देखा भी होगा ग्लोब में भी देखा होगा आपने सेकेंड क्वेश्चन इफ द अर्थ इज राउंड लाइक ए ग्लोब अगर अर्थ ग्लोब की तरह से राउंड है हाउ इज दैट वी डू नॉट फॉलो ऑफ तो ऐसा कैसे होता है कि हम गिरते नहीं हैं इट इज़ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ये धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है ये है धरती की एक बहुत ही अजीब ताकत कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी थिंग टूवर्ड्स इट्स सेंटर अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है दैट इज़ वाई वी डू नॉट फॉल इसीलिए हम गिरते नहीं हैं डो नॉट पीपल एन अर्जेंटीना स्टैंड अप साइड डाउन क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे नहीं खड़े होते सिचे तो पैर ऊपर होते हैं नो दे आर नॉट नहीं दे आर ऑल्सो स्टैंडिंग अपराइट वो भी सीधे खड़े होते हैं यानी कि सिर ऊपर होता है देर इज एक्चुअली नो अप एंड डाउन ऑन द अर्थ थरती पर कोई अप और डाउन नहीं होता इट इज रिलेटिव यानी कि ये तो आ, बिल्कुल आ, वो होता है एक दूसरे के रिलेशन में होता है कि जो चीज़ ऊपर है उसके दूसरी नीचे होगी क्वेश्चन नंबर फोर कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग तुम क्यों सोचते हो कि सुनीता के हेयर किस वजह से खड़े होंगे वी नो दैट ओन अर्थ हम जानते हैं धरती पर आवर हेयर रिमेन इन डाउनवर्ड पोजिशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे हेयर नीचे की पोजिशन में रहते हैं बट इन स्पेस लेकिन स्पेस में देर इज नो सच ग्रेविटेशनल फोर्स Uh, uh, ये केवल अर्थ में ही है ग्रेविटेशनल फोर्स ये स्पेस में नहीं है दैट इज सुनीता सुनीताज हियर वर स्टैंडिंग इसीलिए सुनीता के बाल खड़े हुए थे लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ्स एंड द डेट्स रिटर्न ऑन ईच ऑफ दैम आपने बहुत सारी फ़ोटो देखी है बुक में लेसन में uh, फोटोग्राफ फोटोग्राफर डेट भी लिखी है उन पर राइट वॉट ऑल दिस हैपनिंग एंड वेन ये कब कब हो रहा था और uh, आ, कब हो रहा था और क्या हो रहा था नाइन ट्वेल्व टू थाउजेंड सिक्सटीन को द स्पेस क्राफ्ट इज टेकिंग ऑफ उड़ान भर रहा है स्पेस क्राफ्ट लिखा है हमें पर फोटो के नीचे लिखा हुआ है अब वहाँ से भी देख सकते हैं इलेवन दिसंबर टू थाउजेंड सिक्स को एस्ट्रोनोट कहते हैं जो स्पेस शिप में जाते हैं यानी कि स्पेस के जो ट्रैवलर होते हैं यात्री होते हैं आर फ्लोटिंग इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट वे स्पेस क्राफ्ट के अंदर फ्लोट कर रहे हैं इलेवन uh, दिसंबर 2006 में एस्ट्रोनोट्स आर टेकिंग ऑफ वे उड़ान भर रहे हैं थर्टीन 12 टू में सुनीता इज वर्किंग सुनीता काम कर रही है और सिक्सटीन ट्वेल्व टू में सुनीता इज रोमिंग आउटसाइड द स्पेस क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट के बाहर वो घूम रही है कैन यू सी वाई सुनीता इज हेयर कैप्ट स्टैंडिंग क्या तुम बता सकते हो सुनीता के बाल क्यों खड़े हुए थे सुनीता जी एयर कैप्टज ट्रेंडिंग सुनीता के बाल खड़े रहे बिकॉज देर इज नो ग्रेविटेशनल पुल इन द स्पेस क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल पुल खिंचाव नहीं है थिंक वाई वाटर फ्लोज डाउन वर्ड्स ऑन एनी स्लॉप सोचो जरा कि धरती पर सब पानी ढलान पर नीचे की तरफ ही क्यों बहता है ऐसे ऐसे नीचे क्यों बहता है ओन माउंटेन टू वाटर फ्लोज डाउन वर्ड्स माउंटेन से भी पानी नीचे की तरफ आता है अप वार्ड ऊपर क्यों क्यों नहीं जाता वाटर फ्लो डाउन वर्ड ओन एनी स्लोप ओर ओन माउंटेन किसी भी माउंटेन पर या स्लोप पे पानी नीचे की तरफ बहता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपोनेंट क्योंकि उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती की वो काम करती है उससे वो नीचे आता है टेक ए फाइव रुपी कोयन पाँच रुपये का सिक्का लो एन ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर और एक पेपर का टुकड़ा द पेपर शुड बी अबाउट वन फिफ्थ द साइज ऑफ द कोइन अपने कोयन के पाँच हिस्से किए फोर भी कर सकते हैं बुक में फोर ही लिखे हैं बस एक हिस्से के बराबर लेना है पेपर होल्ड द कोइन इन वन हैंड को वन हैंड में पकड़ रखो एंड पेपर इन दूसरे में पेपर रखो ड्रॉप दैम ऐट द सेम टाइम दोनों को एक साथ छोड़ो व्हाट अपन क्या होगा पहले हम इसका आंसर ही देखते हैं बोथ फोल्ड डाउन दोनों नीचे गिरते हैं बट द कोयन है फॉलन क्विकली लेकिन कॉन जल्दी ही से गिर जाता है ना प्लीज दैट टाइमिंग पेपर ऑन द कोयन अब कॉन के जो कॉन है इसके ऊपर पेपर रखो एंड ड्रॉप दैम अब उसे गिराओ व्हाट एपन दिस टाइम अब क्या हुआ नाव बहुत फोल्ड टूगेदर दोनों एक साथ गिरते हैं ऐट द सेम टाइम बिल्कुल एक समय पर टू प्ले दिस यू विल नीड ए स्मॉल स्टोन ये एक और दूसरी मैजिक ट्रिक है तुम्हें एक स्टोन चाहिए छोटा सा और एक बड़े वाला चाहिए ए थिक रोल ऑफ पेपर एक पेपर का रोल चाहिए ऐसे फोल्ड कर करके रोल बना लेते हैं नच कैन बी मेड बाय ले पेपर और एक माउस चाहिए एन एलिफेंट मेड ऑफ पेपर कागज का बना हुआ माउस बना लो कागज़ का कोई भी एक एलिफेंट बना लो अब क्या करना है एक टू, टू फीट लंबा आपको तार लेना है एट वन और एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन छोटा पत्थर बांध दो और उस पत्थर के ऊपर या तो माउस को चिपका दो या उसे बांध दो स्टोन से पुट द स्ट्रिंग इन टू द रोल ऑफ पेपर अब आपने जो ये पेपर का रोल बनाया था इसके यहाँ पर बांध दो इसको जो स्ट्रिंग इस है जिसमें छोटा स्टोन और माउस चिपका हुआ है इसे यहाँ पर एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन अब बड़े वाला जो स्टोन था उसे यहाँ बांध रहा है एनिस्टिक द एलिफेंट इस पर एलिफेंट को चिपकाना है यहाँ पर होल्ड द रोल ऑफ पेपर अब इसे पकड़ लो अपने हाथ में यहाँ पर ध्यान से पकड़ लो यहाँ से एंड मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन अब अपने हाथ को घुमाओ ताकि जिससे कि जो ये स्ट्रिंग है ये ऐसे 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 घूमे होल द रोल पेपर मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन हु इज पुलिंग होम कौन घुमा रहा है ऊपर माउस था तो उसके घूमने की वजह से यह वाला स्टोन भी ऊपर उठ जाएगा हाउ डिड दिस मैजिक है कैसे हुआ ये वेन द स्मॉल स्टोन माउस व्हील्स व्हील्स का मतलब ऐसे गोल 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 ऐसे ऐसे घूमने को व्हील्ड कहते हैं इट क्रिएट द फोर्स तब ऐसा करने से फोर्स पैदा होती है ड्यू टू विच द बिगर स्टोन एलिफेंट इज बुल्ड अप जिससे कि जो नीचे आपने बांध रखा था बिग स्टोन वो भी ऊपर उठ जाता है कैन यू सी इंडिया क्या तुम इंडिया देख सकते हो यस बट नोट सो क्लियरली उतना क्लियर नहीं ये वहाँ से था इस्पेस से कैन यू रिकोगनाइज एनी अदर प्लेस रिकोगनाइज पहचानना क्या किसी और जगह को पहचान सकते हो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकोगगनाइज एनी अदर प्लेस एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक ठीक किसी जगह को पहचानना बड़ा मुश्किल है मेरी द सी सी का है द ब्ल्यू पार्ट ऑफ द पिक्चर इज सी जो ग्लोब में जो अर्थ के पिक्चर में ब्लू पार्ट है वो सी है डू यू फाइंड anything similar सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ अर्थ क्या अर्थ की पिक्चर में और ग्लोब में कुछ एक जैसा है सिमिलर है इन what way आर दे डिफरेंट और डिफरेंट कैसे हैं दोनों चीज़ें बतानी हैं सिमिलरिटी है इन बोथ द केसिस दोनों मामलों में द लैंड एंड द सी एरिया कैन बी डिस्ट्रिग्यूट यानी कि ग्लोब में भी और जो अर्थ की पिक्चर जो स्पेस चली थी दोनों में ही सी को और हम जमीन को लैंड को अलग अलग पहचान सकते हैं हावेवर द एंटायर लैंड एरिया इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कंट्रीज ऑन द ग्लोब लेकिन ग्लोब में जो पिक्चर जो ग्लोब है उसमें अलग अलग कंट्रीज में बांटा गया है पूरी लैंड को विच इज़ नॉट सो इन केस ऑफ दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ लेकिन जो अर्थ की पिक्चर है उसमें ऐसा नहीं है डू यू थिंक सुनीता को मेक आउट पाकिस्तान नेपाल एंड बर्मा आउट का मतलब बनाना नहीं होता समझना अंडरस्टैंड वैन शी सो द अर्थ फ्रॉम स्पेस जब सुनीता ने स्पेस से अर्थ को देखा तो क्या वो पाकिस्तान नेपाल बर्मा पहचान सकी? नो आई डोंट थिंक सो नहीं मैं नहीं समझते क्योंकि वो छोटे हैं कुड यू फाइंड इंडिया के इंडिया को देख सकते हो यस वेयर डू यू फाइंड द सी सी कहाँ हैं द ब्ल्यू पार्ट ऑफ द ग्लोब आर सी जो ग्लोब के ब्ल्यू पार्ट्स हैं वो सी हैं विच कंट्रीज कैन यू सी कौन से कंट्री देख सकते हो आई कैन सी ऑल कंट्रीज़ लाइक इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश श्रीलंका इंडोनेशिया सिंगापुर यू एस ए रशिया फ्रांस ब्रिटेन जर्मनी मैक्सिको एक्सेट्रा कहाँ ग्लोब पर कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्लेज क्रिकेट मैच क्या तुम वो कंट्री भी देख सकते हो जिनसे इंडिया क्रिकेट मैच खेलता है जिनके साथ जैसे इंग्लैंड है ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान है बांग्लादेश है साउथ अफ्रीका है यस आई कैन सी ऑल दिस कंट्रीज ग्लोब पे देख रहे हैं इन कंट्रीज़ को विच वो टेल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब ग्लोब पे तुम और क्या देख सकते हो यस आई लिव इन Delhi. मैं डेहली में रहता हूँ आई कैन फाइंड माई स्टेट इन द मैप मैं मैप में अपना स्टेट भी देख सकता हूँ यानी कि डेहली देख सकता हूँ विच आर स्टेट नेक्स्ट टू योर स्टेट तुम्हारे स्टेट के अगले स्टेट कौन से हैं देखो ये क्वेश्चन आपके खुद के करने के लिए है मान लो मैं यहाँ पे उत्तराखंड में रह के पढ़ा रही हूँ अब उत्तराखंड का बच्चा कोई देखता है कि उनके पास के स्टेट कौन से हैं तो वो यूपी बताएगा हिमाचल प्रदेश बताएगा तो इस प्रकार से अलग अलग जहाँ पे आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये बताने हैं हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट क्या आप किसी और स्टेट में गए हैं यस आई बीन टू मैनी स्टेट लाइक मैं अलग अलग स्टेट में गया हूँ जैसे उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा ये भी आपके अपने लिए है अगर आप किसी स्टेट में गए तो वहां का लिखिए जैसे उत्तराखंड में रहने वाले लोग यूपी तो गए ही होंगे दिल्ली तो गए होंगे तो वो लिख सकते हैं आप शमीर थिंक दैट देर आर लाइन ड्रोन ऑन द ग्राउंड शमीर सोचता है कि जमीन पे लाइनें बनी हुई होंगी बिटवीन द स्टेट स्टेट के बीच में बट डू यू थिंक तुम क्या सोचते हो नई नई बनी हुई है देर इज नो सच लाइन मेड ऑन द ग्राउंड जमीन पे कोई लाइन नहीं बनी है बिटवीन द स्टेट स्टेट के बीच में अगर आप मान लीजिए उत्तराखंड से यूपी जा रहे हैं तो कोई जमीन पर लाइन आपको कहीं नहीं दिखेगी इट्स ऑल ऑन द ओनली बस पर बनी हुई है सेम विध ए कॉइन तुम कॉइन से क्यों नहीं ट्राई करते हाँ मैंने सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू की कॉइन टू हाइड द मून एक इसमें एक्सपेरिमेंट दिया था ना कि मून को आप कॉइन से छिपा सकते हैं तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है कि कैसे आपको कॉइन रखना होगा कि मून ना दिखे टू हाइड द मून कंप्लीटली मून को कम्प्लीटली हाइड करने के लिए द कॉइन हैज़ टू बी कैप्ट एट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर फ्रॉम द आई आई से ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दूर आपको रखना होगा और मून के डायरेक्शन में देखना होगा तो मून छिप जाएगा पूरा डू यू थिंक यू ट्राई टू डू द सेम विद एम विदन क्या तुम ऐसा कॉइन के साथ ट्राई कर सकते हो हाउ मैनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून तुमने कितने सेंटीमीटर रखा जब खुद एक्सपेरिमेंट किया टू हाइड द मून कम्प्लीटली द कॉइन हैज टू बी केप्ट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर दूर अपनी आँख से दूर कॉइन को रखना पड़ा वैन इज द नेक्स्ट फुल मून नेक्स्ट फुल मून कब है ये भी आपके करने के लिए या आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं कुछ कैलेंडर में भी लिखा हुआ होता है जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन फुल मून होता है तो कैलेंडर में देख के आप लिख सकते हैं At वो टाइम द मू विल द मून राइज ऑन दिस डे कितने बजे मून निकलेगा ये तो आपको उस दिन देखना पड़ेगा वॉट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे बिल्कुल बिग दिखता है ड्रॉ ड्रॉ draw करना है द नेक्स्ट फुल मून इज ऑन ये आप नहीं लिखेंगे डेट उसको आपको देखना पड़ेगा कैलेंडर में दैट डेट द मून विल राइज ए लिटिल लेट थोड़ा सा लेट निकलता है एट अराउंड नाइन पी एम लगभग नाइन पी एम के करीब द मून विल लुक स्फेरिकल ऑन दिस डे बिल्कुल राउंड दिखता है वॉट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून मून से जुड़े हुए फेस्टिवल कौन से हैं देर आर मैनी फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून जैसे ईद और करवा चौथ एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर फाइव मिनट पाँच मिनट तक स्काई की तरफ देखो ध्यान से वॉट गुड यू से तुम क्या देखोगे आई कुड सी द मून स्टार्स एक्सेट्रा डिड यू सी एनी थिंग मूवी इन द स्काई क्या कुछ चीज़ें चलती हुई देखिए स्काई में वट डू यू थिंक इट कुड भी क्या चीज़ें हो सकती हैं वो ए स्टार होगा शूटिंग ए सैटेलाइट होगा सेटेलाइट्स आर यूज फोर टी वी टेलीफोन फॉर वैदर रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं कि एक तरह की मशीनें होती हैं जो स्पेस में रहती हैं उनसे तो हमारे टी वी पर सिग्नल आते हैं मोबाइल पर सिग्नल आते हैं फाइंड आउट मोर अबाउट दिस यस आई सो समिंग मूविंग इन द स्काई मैंने आकाश में चलती हुई चीज़ें देखी इट मे भी ये मिट्योरेट मिट्योराइट होगा विच इज़ ऑल्सो कोल्ड शूटिंग स्टार जिसे पुछल तारा भी कहते हैं दीज आर बॉडीज मूविंग अराउंड इन द स्पेस ये चीज़ें होती हैं जो स्पेस में चलती रहती है विच देन एंटर द अर्थ एटमोसफेयर और जब ये अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करती है कैच फायर उनमें आग लग जाती है दस दे लुक ब्राइट इसीलिए वो चमकती हुई दिखती है और वो जब वो चलती है तेजी से तो तब वो लाइट की पूँछ सी बन जाती है विच वैन एंटर द अर्थ एटमोसफेयर जब वो अर्थ के एटमोसफियर में चलती है मान लो ये मिटेराइट है इसमें यहाँ पे आग लगी अब ये तो आगे चला गया तो जब आग यहाँ से लगी तो ये पीछे लाइट छोड़ता हुआ चलता और आगे ऐसे ऐसे चलता हुआ चला जाएगा इसीलिए तो पुच्छल तारा कहते हैं दे लुक ब्राइट ये इसीलिए ब्राइट दिखते हैं इफ़ यू सो द मून राइजिंग एट सेवन पी एम टूडे अगर आज तुमने मून को सात बजे निकलते हुए देखा शाम को पी एम लिखा है वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टमोरो क्या कल भी ऐसे ही निकलेगा नो ओन थर्टी फर्स्ट ऑक्टूबर द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून गिव एजन एज ट्री यानी कि ट्वेल्व ओ क्लॉक थ्री मिनट्स क्या तुमने बारह बजे मून देखा है Why don't we easily see the moon? हमें से क्यों नहीं दिखाई पड़ता और से क्यों नहीं दिखाई पड़ते नो आई है आफ्टरनून आफ्टरनून में मैंने कभी बारह बजे नहीं देखा वी डोट अर्ली सी द मून हम मून को जल्दी नहीं देख पाते और नाइन स्टार्स को ड्यूरिंग द डे दिन भर में क्यों उसकी वजह है सनलाइट क्योंकि सनलाइट में उनकी रोशनी कम हो जाती है हो जाती नहीं वो हमें दिखती नहीं है ब्राइट लाइट में अब एक मोमबत्ती चलाओ और बहुत तेज लाइट जली हुई हो मोमबत्ती की लाइट देखो कितनी कम दिखेगी आपको सी गाउ द अर्थ इज लुकिंग अर्थ कैसी दिख रही है कैन यू सरफेस ऑफ द मून क्या तुम तो मून का सरफेस देख सकते हो है डू यू हैव सम क्वेश्चन आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर क्या इस पिक्चर को देख कर तुम्हारे तो मन में कुछ सवाल उठते हैं वो क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख सकते हैं उनके आंसर पूछ सकते हैं आपको अगर मुझसे पूछने हैं आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये आपके लिए होमवर्क है मैं उनके आंसर लिख के भेजूँगी आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और थैंक्स ए लॉड फॉर वॉचिंग द वीडियो